तरफ से मुझे एक माइक मिला है जिसका मॉडल नंबर है A6V। जानते हैं इस वीडियो में इसी माइक के बारे में। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। अब शुरू करते हैं। जिस तरह के बॉक्स में आता है ये फाइनफिन की तरफ से आने वाला माइक, इसे ओपन करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि व्हाट्स इन द बॉक्स, एंड ये रही एक यूजर मैनुअल। बॉक्स को ओपन करते ही आपको एक केबल मिलेगी, यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी कनेक्टर है इसमें, और यहाँ पर ये छोटा सा स्माइली। यहाँ पर ट्राईपॉड को कुछ इस तरह से माउंट कर लेते हैं और ये ट्राईपॉड पे हमारा माइक रेडी टू यूज बन गया है। यहाँ पीछे की तरफ टाइप सी केबल को आपको माइक में लगाना है और टाइप ए केबल को आप अपने यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हो लैपटॉप वगैरह के। सबसे पहले बात करते हैं इस माइक की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। ये जो माइक्रोफोन है ना, काफ़ी अच्छा सा है। बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो ये मेटल का स्टैंड दिया गया है ना, ये काफ़ी हैवी सा है, तो उसकी वजह से ये आपके डेस्क वगैरह पे काफ़ी अच्छे से माउंट होता है। उसके ही साथ इसमें यहाँ पर एक फिल्टर भी प्रोवाइड कर दिया गया है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ जो बनी हुई है ना, ये पूरी प्लास्टिक की है और इसके अंदर लाइट लगी हुई है RGB वाली, जो कि दिखने में काफ़ी शानदार लगती है। यहाँ पर ऊपर की तरफ टैप टू म्यूट बटन है, तो एक तरह से आप जैसे ही टैप करोगे ये ख़त्म हो जाएगा। मैं इसे टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। और यहाँ पर एक नॉब दिया हुआ है, इस नॉब की मदद से आप वॉल्यूम गेन वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। उसके साथ अगर आप यहाँ पर गौर करो, ये जो है ना रबर्स लगे हुए हैं। इस रबर की वजह से क्या होता है ना कि अगर आपका माइक ऐसे है तो कुछ तरह से शॉक माउंट का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि गेम खेलते वक्त काफ़ी एक्साइटेड हो गया और माइक पर यूं दे मारा ना, तो बस माइक जो है उसे बर्दाश्त कर लेगा और इस शॉक माउंट से इसको कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सा मुझे यूनिक डिज़ाइन लगा एक तरह से। और इसमें थोड़ा सा ये शेक होता है इसकी वजह से, तो जैसे कि ना काफ़ी रगिड सा बना हुआ है और इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आई। आप इसे डिटैच भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। इसे डिटैच करने पर ये थोड़ा अलग सा हो जाता है। अगर आपको ऐसे यूज़ करना है इसे, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये यूनिडायरेक्शनल है, इसमें इधर से ही आवाज़ आती है और आप इसको आसानी से इस तरह से फिट कर सकते हो। दैट्स इट। इस शॉक माउंट को आप कुछ इस तरह से बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। और अगर आपको ऐसा बूम आर्म वगैरह पे इसे सेट करना है, तो आप इसे आसानी से कर पाओगे। एक आपको उसके लिए बूम आर्म खरीदना पड़ेगा। इसका एक अदर वेरिएंट आता है जिसमें बूम आर्म भी है, तो मैं इसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे चेक कर लेना। यहाँ पर एक एडजस्टमेंट करने के लिए नॉब दिया हुआ है, तो अगर आप इसे लूज़ करते हो तो आप माइक को किसी भी इस तरह के डायरेक्शन वगैरह में सेट कर पाओगे। ये तो बात हो गई कि माइक की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है ना कि माइक में अक्सर वायर बड़े ही अजीब से मिलते हैं, लेकिन इस माइक में जो वायर मिलता है ना, दैट इज़ फैंटास्टिक। ये USB टाइप ए है और ये USB टाइप सी है, तो टाइप सी वाला जो कनेक्टर है आपके माइक में लगता है और काफ़ी थिक केबल है। उसके हिसाब ये 6.5 फीट लंबी है, तो अक्सर मैंने देखा ना माइक वगैरह में अक्सर इतने लंबे लंबे वायर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो आप ऐसे ना कहीं बूम आर पे दूर पे सेट करके रखे हो माइक, आपका डेस्कटॉप कहीं और है और आपको माइक को कहीं और भी रखना है, तो उस केस में आप इस माइक को बड़े आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। तो अब मैं इसका एक साउंड सैंपल वगैरह भी आपको सुनाऊंगा कि इससे जो आवाज़ आप रिकॉर्ड करते हो वो कैसी आती है, और उसके ही साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि किसी गेम में अगर आप स्ट्रीमिंग करते वक्त जो आवाज़ आती है ना, वो कैसी आती है। क्योंकि मैं बहुत सारे और भी वीडियोस देखा यूट्यूब पे इसके, लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं थी, किसी ने गेम में कनेक्ट करके एग्जैक्टली रिकॉर्ड नहीं किया है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि गेम में कनेक्ट करने के बाद इसका जो आउटपुट आता है ना स्पीकर या हेडफोन के थ्रू, वो कैसा होता है। मैं अपने ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट करके इसमें आपको दिखाऊंगा, पूरा प्रॉपरली रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। वीडियो अंत तक देखना, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। माइक हो चुका है कनेक्ट और अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो ना, ये इसी माइक से रिकॉर्ड हो रही है। मैं थोड़ा साइड से बोल रहा हूँ तो आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो RGB लाइट दिखती है ना, इसमें कमाल की दिखती है मतलब। और अब मैं इसे अगर अपने ऐसे डिस्क पे रख के बहुत ही अच्छे मूड से अगर बोलना चालू करूँ तो कैसा सुनाई दे रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो। अभी फ़िलहाल जो आवाज़ आप सुन रहे हो ना, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं हुई है, मैं Audacity में इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप वही आउटपुट सुन रहे हो अपने वीडियो में। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर हल्का सा टैप कर दूँ ना, ये बंद हो जाता है तो आपको कुछ सुनाई नहीं देता, तो इसलिए मैंने इसको फिर से ऑन कर दिया है, ऐसा हो सकता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट मुझे लग रहा है
आप चाहो तो इसे इस फिल्टर के साथ में इस्तेमाल कर सकते हो या फिर फिल्टर को निकाल के, लेकिन अगर फिल्टर के साथ में आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी आवाज़ से ना वो हवा जो फुफ फुफ ऐसा वो नहीं जाएगी। बेसिकली ये गेम स्ट्रीमिंग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सा माइक है और मुझे दिखने वगैरह में भी काफ़ी सही लग रहा है, जैसा कि आप नोटिस कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा ही कोई सीपीयू वगैरह है उसके साथ में ये काफ़ी अच्छा मैच हो जाएगा। तो जैसे कि मेरे सीपीयू में भी इसी तरह का कलर कुछ है, कलर साइंस, तो यहाँ भी वो कलर साइंस है जो कि अपने आप चेंज होते रहता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा और भी क्लोजली आपको दिखाना चाहूँगा। लेकिन अगर मैं इस माइक के पीछे से बोल रहा हूँ तो शायद आपको उतनी अच्छी आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये फ्रंट से बोलने के लिए ही बना हुआ है, तो आपको अभी आवाज़ काफ़ी क्लियर आ रही होगी। अगर आपके हाथों से अचानक ये टच होता है तो इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मतलब ये गिरेगा नहीं या फिर टूटेगा नहीं, तो इसीलिए ये शॉक माउंट की वजह से ना काफ़ी अच्छा सा बन जाता है। मेटेलिक नहीं है ये माइक, इसमें ना ही मेटेलिक ग्रिल लगी हुई है ना ही कुछ ऐसा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये माइक ऐसा ये दिखने में काफ़ी सुंदर सा है। और अब मैं करता हूँ एक काम कि इस वाले माइक को लेकर मैं जाता हूँ दूसरे कमरे में, जहाँ से मैं अपने इस डेस्कटॉप को कनेक्ट कर दूँगा। इसमें भी गेम ऑन रहेगा फोर्टनाइट, और मेरे दूसरे लैपटॉप में भी गेम ऑन रहेगा फोर्टनाइट। दोनों में ही मैं अलग अलग यूज़र बन के रहूँगा। ये जो स्पीकर है ना, मैं इसको यहाँ पर रख दूँगा अपने इस पुराने माइक के साथ, तो उससे क्या होगा ना कि ये स्पीकर से इसमें आवाज़ आएगी और मैं इसको दूसरे कमरे में लेकर बैठ कर बोलूँगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक एक्सपेरिमेंट है, मैं ये करके आपको दिखाना चाह रहा था। देखते हैं कि एक्चुअल गेम स्ट्रीमिंग में आवाज़ कैसी आती है, आपको तब अच्छी क्वालिटी का इसकी पता चल पाएगा। तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हो कि मैं अभी अगर यहाँ पर गेम प्ले कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, तो आवाज़ अभी इस माइक से ट्रांसमिट होकर वहाँ स्पीकर पे जा रही है और फिर स्पीकर से मेरा दूसरा वाला माइक उसे रिकॉर्ड कर रहा है। तो तमाम तरह की रिकॉर्डिंग प्रोसेस हो रही है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि मतलब इस माइक से कितना अच्छा आप स्ट्रीमिंग कर पाओगे और साउंड क्वालिटी कैसी आ सकती है, विच इज़ फैंटास्टिक। मुझे काफ़ी पसंद आया और काफ़ी डिजिटल टाइप की आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा लैग हो रहा होगा, मतलब इंटरनेट से ट्रांसमिशन होकर दूसरी जगह पे जा रही चीज़ें, तो दोज आर मैटर्स, बट इट्स ओके काइंड ऑफ थिंग। मतलब आप इस तरह से अगर गेम करते वक्त इसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी करोगे ना, तो विच इज़ फैंटास्टिक, और ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। सो बेसिकली यू कैन यूज़ इट फॉर गेम स्ट्रीमिंग, विच इज़ फैंटास्टिक थिंग। तो जैसा कि आपने अभी सैंपल वगैरह देख लिया है, तो मैं फाइनली इसी माइक से अभी रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ। मतलब मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, इसका डिज़ाइन वगैरह मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये जो बेसिकली RGB चल रही है ना, फैंटास्टिक। आई थिंक मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में ज़्यादातर यही माइक इस्तेमाल करूँगा। मैं इसे कंपेरिजन अगर आप इसका देखना चाहते हो, 5N के मेरे पास दो और भी माइक्स हैं जिनका वीडियो मैंने चैनल पे है, आप वो वाले माइक्स भी जाकर देख सकते हो, तो उन्हें भी आप चेक कर सकते हो। कि तो इन सारी टेस्टिंग वगैरह के बाद और इसका जो ऑडियो आउटपुट वगैरह आप सुन ही रहे हो अभी, इन सब के बाद क्या आपको ये माइक खरीदना चाहिए या फिर नहीं? ऑलमोस्ट 3000 के बजट का माइक है ये। कभी कभी इसका प्राइस 3100 होता है, या कभी कभी 2600-2700 तक भी मिलता है। इस प्राइस पॉइंट पे क्या ये जस्टिफाइड है या फिर नहीं? मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा सही है। मुझे जहाँ तक लगा कि इस बजट रेंज में ना, मतलब बिलो 3000 वाला, दिस इज़ काइंड ऑफ बेस्ट माइक टू गो विथ। इसका जो ये लाइटिंग वगैरह का मैकेनिज्म है और इसका जो शॉक माउंट है, बेसिकली दैट शॉक माउंट है सरप्राइज मी, इट इज़ वेरी गुड। बस एक जो कमी मुझे थोड़ी सी लगती है, यहाँ पर जो वॉल्यूम गेन है ना, एग्जैक्टली आपको पता नहीं चल पाएगा कि अभी कितना है, तो आपको पूरा फुल करना होगा, उसके बाद थोड़ा सा कम करना होगा। मैं फॉर एग्जांपल इसे थोड़ा सा घुमा रहा हूँ अभी, तो आप देख सकते हो कि आवाज़ थोड़ी सी शायद ना तेज़ हो रही हो, लेकिन इसको मैं अगर आधे लेवल पे रखूँगा तो सबसे ज़्यादा सही आवाज़ मिलने के चांसेस होते हैं, किसी भी माइक्रोफोन का ऐसा ही रूल होता है। तो बेसिकली अगर आपको स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए ही लेना है, आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस माइक। आपके डेस्क वगैरह पे भी काफ़ी कूल लुकिंग रहेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा सा माइक है। मेरी तरफ से अगर इसको ओवरऑल मैं रेटिंग देना चाहूँ तो दूंगा 4.5 स्टार आउट ऑफ 5, विच इज़ मार्वलस। ये काफ़ी सही माइक मुझे लगा फाइन फाइन की तरफ से, एंड थैंक यू फाइन फाइन फॉर सेंडिंग दिस माइक फॉर अ रिव्यू। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बेसिक टॉपिक के साथ, तब तक लेकिन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।